अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लाइव मशीन बनाने का मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये दिखा रहा हूँ कि इसमें जो है ना, ये नमदा टूटा हुआ है और इसको किस प्रकार से इसको चेंज करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने मोटर को खोल लिया, उसके बाद आपने इसको थोड़ा ब्लोअर मारकर सफाई कर देते हैं। उसके बाद आपने ये भी मत्था भी खोल लेना है। काफी जाम मशीन है। काफी इसको रेड किया हुआ है। ये बोट निकालना है आपको, इसलिए जब नमदा लगाऊंगा तो इसकी सेटिंग भी थोड़ी चेंज में होती है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है इसको। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आज मुझे ख्वाहिश थी कि आप लोगों को लाइव दिखाऊं, इसलिए मुझे एडिटिंग वीडियो जो है ना पसंद नहीं है कि उसको एडिट कर करके उसको शॉर्ट करके इस लिहाज से करके उसको दिखाया जाए आप तक, तो लाइव रियलिटी में दिखाना चाहता हूं अपने काम को। इसमें डस्ट वगैरह लगा हुआ, लाजिम बात है, हमें काम दिया गया है नमदा चेंज करने का। अब मुझे यहाँ पे कचरा वगैरह नज़र आ रहा है तो मैं आपको वो सब भी साफ़ करते हुए दिखा रहा हूँ। पहले इसको खोल लेंगे, उसके बाद नमदा लगाएंगे। इस वजह से जब यहाँ भारी होगा तो पीछे सामान लगाने में जो है ना ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो अब देखें इसको, मज़ीद इसको साफ करते हैं। नीडल निकाल लें, कोई तार का बुरश वगैरह है वो ले लिया आपने। इसको साफ कर लिया आपने, को भी साफ कर लें अच्छे से। इसलिए मुझे इस तरह होता नहीं है कि अभी सामने कचरा नज़र आया, मुझे नमदा चेंज करने के लिए दिया गया और ये गंदगी हो और इस तरह काम निकाल दिया जाए।
पसंद नहीं है। अब लाजिम बात है काम अच्छा होगा तो कस्टमर भी मेरे पास दूर दूर से लोग आएंगे। संतरी स्क्रू आपने खोला, इसके बाद आपने 14 का पाना लिया आपने, लाइव करना बहुत ही, लोग तो एडिटिंग करके काम कर रहे होते हैं और मिक्स कर देते हैं किस तरह के अपने कामों को, और लाइव में बहुत मुश्किल होता है ये सब काम को करना। लेकिन हम मेरी एक ख्वाहिश थी कि आप लोगों को लाइव भी मैं अपना काम को दिखाऊं। इसमें देखें ये जब ये नया नमदा होता है तो ये इसमें जो है ना ये लग नहीं रहा होता है, तो ऐसा हो कि इसको चौरस गोली को आपको पलट करके देखना है, इस साइड करके इस साइड करके, किसमें आसानी से ये लग सकता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे, ये जा नहीं रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे हम फाइलिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसको 22 में आपने लगाया, इसको 22 नहीं है घर पे, तो आप किसी चीज़ की मदद से इसको घर सकते हैं, किसी चीज़ पर रख करके। हमारे व्यूवर जहाँ कहीं भी हैं, जिस कंट्री में भी हैं, जो भी आप सजेशन पेश करना चाहते हैं या कोई नया काम आप मशीन के हवाले से जो भी बताना चाहेंगे, वो इंशाल्लाह मैं वो काम आप तक पेश करूँगा। इसको ज़्यादा अगर कटिंग हो जाएगा तो ये जो है ना चाल मारेगी, ठीक है ना। अब ये देखें, ये आसानी के साथ ये नमदा जा रहा है बिल्कुल, और ज़्यादा चाल भी नहीं होनी चाहिए। तो आपने इसको इस तरह लगाया आपने और इसको टाइट कर दिया, मैकेनिकल काम को लाइव पेश करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और मुझे यहाँ पे किन दुश्वारियों का सामना है वो मैं ही जानता हूँ, कि इसलिए कि नॉर्मल लाइव रिपोर्टिंग किसी एरिया में किसी चीज़ का करना वो तो आसान होता है, लेकिन लाइव काम वर्क को पेश करना नहायत ही मुश्किल काम होता है मैकेनिकल लाइन से। अब इसमें कभी फंस रहा है, कभी ये अड़ेगा, तो हम इसको दूसरी जानिब लेके जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा इसको मूव करते हैं और जहां आसानी से ये बैठ जाए, फिर इसके बाद हम इसको आप देखें ये कहीं अड़ रहा है, कहीं फंस रहा है, इस चीज़ का वो ख्याल रखना है मद्देनज़र। किस लिए ये नमदा किसी किसी मशीन में बहुत आसानी से फिट हो जाता है और किसी मशीनों में दुश्वारी का सामना होता है, तो ये हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। इसको मज़ीद और टाइट करना है, ये लूज़ है, ये ज़्यादा यानी टाइट भी नहीं होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा, ये लूज़ होनी चाहिए।
अब बाद वक्त ऐसा होता है कि आपने इसको आपने लगा दिया, अब इसको ऊपर लाना है तो ये टाइट करना, फिर इसको खोलना पड़ेगा। तो इस वक्त लगाते वक्त इसका भी ख्याल रखा जाए, पहले आप इसे ऊपर कर लें फिर इसे ये लगा लें। उसके बाद ये संतरी स्क्रू आपने लगा लिया, कोई ये नमदा कहते हैं, सही माने में इसका राक्षाफ्ट नाम है इसका, तो लोग अपना अपना यहाँ पे कोई अपने ज़बान में इसको झूला भी बोलते हैं, अपने अपने ज़बान में क्या बोलते हैं वो जानते हैं। बहरहाल इसे नमदा और राक्षाफ्ट कहते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ये बेहतरीन फिट हो गया है। ये अब इसमें ये है कि अपना इसमें ऑयलिंग विलिंग का इस्तेमाल आपको कर देना है इस लिहाज से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए ये अड़ रहा नहीं है, अब फंस नहीं रहा है, ये बिल्कुल स्मूथ सही चल रही है ये। बाकी मैं वो काम जो आगे का नाल शटल का काम, वो तो मैंने आपको दिखा दिया, ये टॉपिक के साथ था ये नमदा लगाने का तरीका, तो इसलिए मैं टॉपिक पे ही ख़त्म करना चाहता हूँ। इस वजह से कि अगर मैं काम मज़ीद इसको आगे ले जा करके मैं आपको सारी सिलाई विलाई का चीज़ें दिखाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। तो मैं मशीन के मुख्तलिफ किस्म का काम मुख्तलिफ अंदाज में उसको उसी टॉपिक के हवाले से, जो ये टूटा हुआ था ये शाफ्ट, ये टूटने के हवाले से ये मैं आपको था, ये मैं कोई अच्छी कंपनी का भारी वाला सामान डाल दिया हूँ, इसमें लगा दिया हूँ। अब लाजमी आती वो सारा काम कर लूँगा, ये इसमें जो भी चीज़ें हैं वो लगाना है, वो सिलाई निकल जाएगी। ठीक है, अब इसमें जिस तरह से आपने लगाना है ये करना है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं आपको जो टॉपिक से शुरू किया था उसी टॉपिक पे मैं एंड कर देना चाहता हूँ नमदा लगाने का। और हमारे जो चैनल पे है, जो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।